बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है जी, बैरिया टाउन में एक कनाल के प्लॉट की, क्योंकि आजकल हमें जो क्यूरीज आ रही हैं वो ज्यादातर बड़े प्लॉट्स की आ रही हैं, तो हमने सोचा कि जो अब हमारे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है, बड़ी प्रॉपर्टी, तो वो हम आपसे शेयर करें, जिसमें घर भी आ जाते हैं, कमर्शियल भी और प्लॉट्स भी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक कनाल का प्लॉट है, बैरिया टाउन का टॉप सेक्टर, बैरिया टाउन ओवरसीज 3। तो आए चलते हैं, अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। शुक्रिया। अच्छा जी व्यूवर्स, तो हम लोग क्लॉक टावर से स्ट्रेट हम पहुंच गए हैं फातिमा जिना जंक्शन के पास। हमने जो आईफल टावर है वो भी क्रॉस किया, पीएसओ पंप जो फेज 8 का है वो भी क्रॉस किया। अब फातिमा जिना जंक्शन से हम लोग लेफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट होते साथ ही हमारे जो है ओवरसीज 3 की बुलेवर्ड आ जाएगी, और वो सामने हमारे डीएचए सेक्टर 4, और डीएचए सेक्टर 4 का वो सामने ब्रिज है। यहाँ से पिंडी अगर आपने जाना है तो हार्डली आप 7 to 8 मिनट्स में आप अस्करी 14 चले जाते हैं, और अगर अडियाला रोड जाना है तो हार्डली 8 से 10 मिनट की ड्राइव है। अब ये देखें लेफ्ट साइड पे, ये हम लोग लेफ्ट हो रहे हैं। यहाँ से जो हमारा ओवरसीज 3 की मेन बुलेवर्ड जाती है, जो कनेक्ट करती है हमारे 10 मरले, 17 मरले, 1 कनाल, सारे प्लॉट्स को, 2 कनाल के भी इनफैक्ट यहाँ प्लॉट्स हैं। बड़ी ही प्यारी टॉप हाइटेड लोकेशन। अभी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइट की तरफ है, क्योंकि ये सेक्टर सारा तो ये मेन बुलेवर्ड है, इसी से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और फिर अभी हमारे ये जो राइट साइड पे है ये सारे बैक ओपन 10 मरले के घर, 10 मरले के प्लॉट्स हैं। यहाँ हमारे पास घर भी अवेलेबल हैं, प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ घरों में स्विमिंग पूल वगैरह बना हुए, आपने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा। एक हमने भी यहाँ ऊपर प्रोजेक्ट किया विद स्विमिंग पूल, वो जो कि सोल्ड आउट हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग स्ट्रीट नंबर 1 की तरफ अंदर हो जाएंगे, लेफ्ट साइड पे हो जाएंगे। लेफ्ट पे हम जैसे ही होते हैं तो हमारे सामने 500 की नंबरिंग आ जाती है, जो एक कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ एक कनाल का जो प्लॉट है उसकी प्राइस है 3 करोड़ रुपए से लेके 4 करोड़ रुपए। इस सेक्टर में घर बनाने का फायदा ये है कि अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए प्लॉट लेते हैं तो तब भी ये आपको अच्छा रिटर्न देता है, और अगर आप इस पे कोई डिजाइनर हाउस बनाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये चेक करें जी, इसकी हाइट देखें, सामने बिल्कुल डीएचए, लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं सामने सेक्टर 5 है और सेक्टर 4 है जो कि नीचे है, और बिल्कुल इस हाइट के लेवल पे जो एरिया बनता है डेट इज डीएचए सेक्टर 4। वो सामने जो हाइट्स आपको नजर आ रही हैं वो लेफ्ट पे वो डीएचए 4 की हाइट्स है। ये सारा डीएचए 4 का सेक्टर बी एंड सी है जो टॉप हाइट पे, और डीएचए सेक्टर सी है। इस पे इंशाल्लाह डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। अगर डीएचए सेक्टर सी में आपको प्लॉट चाहिए तब भी हमारे पास अवेलेबल। तो नाजरीन जी, ये हम लोग आ गए हैं स्ट्रेट में, जिधर यहाँ हमारे पास एक कनाल का प्लॉट है। ये आसपास आप जो इसकी एरिया है वो आप देख सकते हैं, सारी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। ये न्यू कटिंग है, बैरिया ने ये 10 प्लॉट्स ने दिए हैं, जिनमें से हमारे पास 2 प्लॉट्स अवेलेबल रह गए, बाकी जस्ट सारे सोल्ड आउट है। हमारे पास राइट साइड पे 2 प्लॉट्स अवेलेबल हैं। प्लॉट की अगर हम बात करें तो प्लॉट बिल्कुल लेवल ग्राउंड का प्लॉट है, बिल्कुल लेवल एंड सॉलिड एरिया है। बैक पे भी घर आपको नजर आ रहा है, साथ में भी घर है, मगर इस प्लॉट का बेनिफिट ये है कि एक तो ये फ्रंट ओपन, ठीक है, और दूसरी जो मजे की बात है इसकी राइट साइड जो है वो भी ओपन है, क्योंकि ये जो घर बना हुआ है, ये जो आपको घर नजर आ रहा है, इस घर के बैक पे जो लॉन है ये साथ सारा लॉन है, ठीक है। ये अराउंड 4 कनाल पे, ये 2 कनाल पे घर बना हुआ है, और बैक पे ये 3 कनाल का लॉन है, कोई 5 कनाल टोटल एरिया बनता है। यहाँ काफ़ी मूवीज की शूटिंग वगैरह भी होती है। और ये जो घर बनेगा इसकी ये साइड बिल्कुल एम्प्टी होगी, जिससे आप मतलब जब फिल्म बन रही हो तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आप ठंडी हवा भी, दरख्तों से ताज़ा हवा भी इंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ आप घर बनाएं या इस प्लॉट को बाय करके इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अपने पास रख लें। और ये मज़ेदार सी स्ट्रीट बनी हुई है, कारपेट बिल्कुल हो चुकी हुई है, और इंशाल्लाह यहाँ भी बहुत जल्द घरों का काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिन क्लाइंट्स को हम लोगों ने दिए हैं उन लोगों ने पोजेशन यूटिलिटीज अप्लाई की हैं, मैप अप्लाई किए हैं, और इनके मैप पे वर्किंग हो रही है। तो अगर व्यूवर्स आप एक कनाल का प्लॉट लेना चाह रहे हैं बैरिया टाउन फेज 8 में, आप मेरे से और मेरी टीम से कॉन्टेक्ट करें।
थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।